नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपांकर समंदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। व्यापार हो या फिर जॉब हो, ये दोनों जगह आपको तरक्की चाहिए। यस और नो? तरक्की तो छोड़ो, यहाँ जिंदा रहना पहले जरूरी है, उसके बाद ग्रोथ होगा। यस और नो? तो अगर आपको जिंदा भी रहना है और जबरदस्त ग्रोथ करना है तो वो दोनों चीजों की आज बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताने वाला हूं। सबसे पहले एक स्टोरी सुनते हैं। तीन दोस्त रहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी सेक्टर से, जो इंडिया में ही उन्होंने इंजीनियरिंग करी। उसमें से एक दोस्त चला गया अमेरिका और अमेरिका में जाके उसने एक आईटी कंपनी चालू की और वहां पर कंपनी चालू करती साथ उसको एक अमेरिकन बहुत बड़ा जायंट क्लाइंट मिल गया, क्योंकि बहुत सिंसियर बहुत इंटेलिजेंट बंदा था। अब वो क्लाइंट ने इसको इतने सारे काम दे डाले इनकी कंपनी को कि इसको लगा कि यार ये तो मजा आ गया, जितने पैसे का हमने सोचा था कमाने का उससे भी बहुत ज्यादा कमाने लग गया, शानदार चल रहा था। फिर उस क्लाइंट ने बोला कि इंडिया में भी हमको बिजनेस स्टार्ट करना है, इंडिया यूनिट भी चालू करना है, वहां पर भी हमको सर्विसेज की जरूरत है। लेकिन ये अमेरिकन जो दोस्त था उसने इंडिया वाले दोस्त को बोला, क्या तुम लोग दोनों मिलकर कर पाओगे? जो बाकी दोनों दोस्त इंडिया में थे वो तैयार हो गए और उन्होंने तुरंत एक कंपनी इंडिया में खोली। किसने? वो दोनों फ्रेंड्स ने। और खोलने के बाद में इन्होंने तुरंत इंडिया का ऑपरेशन दे दिया उस बड़ी कंपनी का, उन इंडियन दोस्तों का। अब वो दोस्त लोगों ने क्या किया, कंपनी बनाई, पूरे स्टाफ्स रखे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई, फर्नीचर लिए, कंप्यूटर्स लिए, प्रोसेस बनाया, उस पे समय लगाया, पैसा लगाया। ऑब्वियसली जो काम मिला उसमें बहुत ज्यादा पैसा कमाया। 3 साल बहुत शानदार गया, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, इन लोगों को लगा जितने इंडियन फ्रेंड्स थे बोले कि यार कुछ एडिशनल क्लाइंट भी सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। तो बाकी लोगों ने बोला यार ये तो लॉयल्टी के खिलाफ हो जाएगा, वो सामने वाला हमारे पर ट्रस्ट कर रहा है और हम लोग पूरा ध्यान इस प्रोजेक्ट पे लगाएंगे, ऐसे हमारे अमेरिकन दोस्त ने भी बोला है, तो हम लोग यार कोई दूसरा नया क्लाइंट नहीं खोजते। 4th साल में वो जो अमेरिकन क्लाइंट था उसको ये पता चला कि सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंडेंट है ये अमेरिकन कंपनी, और उसने अमेरिकन कंपनी को बोलना शुरू कर दिया कि भाई आपको रेट बहुत डाउन करना पड़ेगा, एडिशनल उसने टर्म्स एंड कंडीशन रखी, और उसके कारण अमेरिकन जो कंपनी थी दोस्त की वहां से वो वाला काम चला गया। और उसके पास से काम चला गया तो इंडिया वालों के पास से काम चला गया और इंडिया की कंपनी भी डूब गई। जितना पैसे कमाए थे 3 साल में उससे ज्यादा पैसा डूबक में चला गया, कॉस्टिंग में चला गया, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या करें। उसने वो सारे लोग डिप्रेस हो गए, धंधा बंद हो गया, आगे करियर का सोच शून्य हो गया, राइट? अब यही चीज होता है अगर आप बिजनेस में किसी सिंगल क्लाइंट को पकड़कर चल रहे हो, एक ही क्लाइंट आपको पूरा बिजनेस दे रहा है या कुछ क्लाइंट आपको पूरा बिजनेस दे रहे हैं, लेकिन आपके पास बहुत सारे क्लाइंट नहीं है। इतने सारे क्लाइंट आपके पास होने चाहिए ताकि कोई भी ऊपर के टॉप 2-3-10 कस्टमर वो आपको दबा ना पाए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको क्लाइंट इंक्रीज करना, पहला चीज। दूसरा, प्रोडक्ट का रेंज इंक्रीज करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तीसरा, प्रोडक्ट के फीचर्स और उसका वैल्यू इंक्रीज करना आपका एक काम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मारुति को ले लेते हैं, मारुति ने अलग से एक पूरा बलेनो वाला रेंज लाया, मारुति नेक्सा एक रेंज लाया जो कि महंगे गाड़ियों में डील करते थे। तो क्योंकि मारुति को माना जाता था कि बहुत सस्ती गाड़ियां वो बनाता है, तो उसने रेंज को ही अलग कर दिया। अभी ग्रैंड विटारा जबरदस्त चल रही है, 6-6 महीने की वेटिंग चल रही है, तो उसने प्रोडक्ट में भी इंप्रूवमेंट किया, उसने स्ट्रेटेजी में इंप्रूवमेंट किया, उसने सर्विसेज में इंप्रूवमेंट किया, उसने अपने रेंज को भी बढ़ाया। ये चीज आपको भी करने की जरूरत है। क्लाइंट टाइप ऑफ क्लाइंट्स भी आपको बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी आपको बढ़ाने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं जॉब पे। अगर आपको जॉब में सक्सेस होना है, आप सोचते हो कि मेरे पास में एक स्किल है, जबरदस्त स्किल है, मैं उसमें एक्सपर्ट हूं और उसी के बेसिस पे आज आप बहुत इतरा रहे हो कि इस पे मस्त काम हो रहा है, लेकिन कल दिन आपने कोई अगर स्किल इंक्रीज नहीं किया तो हो सकता है कि जो काम आप कर रहे हो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने लगे, आपकी वैल्यू कम हो जाए, आगे आपका करियर डावाडोल होने लग जाए, क्योंकि आपने पूरी जान एक जगह पर लगा दी। आपको क्या करना पड़ेगा, स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा और साथ ही साथ में आपको नए रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेने पड़ेंगे, नए तरीके की चीजों को सीखना पड़ेगा, कंपनीज को वैल्यू देना पड़ेगा और अपना वैल्यू आप साथ ही साथ इंक्रीज करते जाइए, तो कंपनी और आपके अंदर में नयापन, इनोवेशन, नए स्ट्रेटजीज और नए नए सर्विसेज और इंप्रूवमेंट्स लाते रहने पड़ेंगे। अगर नहीं किया कंपनी डूब जाएगी, अगर किया आप जबरदस्त आगे बढ़ोगे, जिस कंपनी के साथ रहोगे कंपनी भी जबरदस्त आगे बढ़ेगी। आप चाहते हो ऐसा हो जाए या सोचो, अगर हाँ तो फिर ये काम तुरंत चालू कर दीजिए। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और मैं आप लोगों की मदद हमेशा करता चला जाऊंगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।